हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला टू पॉइंट टो में उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे देखिए अभी जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों देखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं ठीक है तो यूपी टेट के लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ें और किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं कि यूपी टेट में आप लगभग 125 या उससे ज्यादा अंक प्राप्त कर सके किस तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं और दूसरी चीज ये है कि ऐसी वीडियो और भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी लेकिन जो पुरानी वीडियोस हो जाती हैं ना तो उनको देखने का मन थोड़ा सा आपका भी नहीं करता होगा इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इस पर अच्छे से बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी हैं जो आप ले सकते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं ठीक है हमारे बहुत से दोस्त होंगे जो पहले से ही इन सब चीजों को जानते होंगे तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लास्ट तक जाते जाते जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपको लगेगा कि ये आपको पहले से नहीं पता थी ठीक है तो चलिए देखिए आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे ना कि किताबें कौन कौन सी चाहिए और देखिए एक और चीज होती है कि ज्यादातर लोगों को भरोसा तभी होता है जब उनको पता चलता है कि जिस फील्ड में ये बता रहे हैं या अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं उस फील्ड में इन्होंने क्या किया है तो मैंने जो है यूपी टेट में दिया था तो उस बार मेरे 124 मार्क्स आए थे ठीक है तो इस पे अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो महीने में मेरे 124 मार्क्स आए थे दो महीने में तो ऐसा नहीं है ठीक है दो महीने तो वो था जो मैंने केवल यूपी के लिए थोड़ा अच्छे से तैयारी करी थी ठीक है दो महीने क्या कहें थोड़ा सा और कम ही समय मिल पाया था लेकिन अगर देखा जाए तो दो महीने उसमें लगे ही थे अब मैं बात करता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हो तो क्या दो महीने में आप तैयारी कर सकते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि कर तो पाएंगे लेकिन पास हो पाएंगे केवल बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा समय उस पर देना पड़ेगा मैं अपने केस में आपको बताता हूं कि मेरी तैयारी कैसे हुई थी देखिए पांच सब्जेक्ट होते हैं आपको पता ही है हिंदी सीडीपी गणित जीएस और लैंग्वेज में संस्कृत और इंग्लिश में से कोई एक करना होता है तीस तीस नंबर के आपके होते हैं ठीक है इसमें अगर हम बात करें तो मेरी हिंदी जो थी वो पहले से तैयार रहती थी तो हिंदी में केवल मुझे रिवीजन करना था ठीक है इस आज की वीडियो में ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि किताबों के बारे में जाने स्ट्रेटजी के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो दे देंगे जिसमें अच्छे से बताएंगे देखिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मेरा मानना है कि पाँच मिनट में कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकता अगर वो ऐसा कर रहा है तो हो सकता है कि केवल वो आपके सामने आना चाहता है आपको आ, हो सकता है उसे कुछ भ्रम भी पैदा हो जाए ठीक है तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप स्ट्रेटजी की वीडियोस देखिए या उसको समझिए तो भले लंबी वीडियो हो आप इतमान से उसको पूरा देखिए क्योंकि स्ट्रेटजी कोई पाँच मिनट में शेयर करना अच्छी बात नहीं होती है ठीक है तो देखिए हिंदी जो है आ, मेरी पहले से तैयार रहती थी तो इसको केवल रिवाइज करना होता था ठीक अगर बात करें सी की तो सी डी जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम बी ही कर रहे थे तो सी में ज़्यादातर चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी लेकिन फिर भी सी को अच्छे से तैयार करना पड़ा तो इस पर मैंने पूरा टाइम दिया था मैथ्स जो है मैथ्स का स्टूडेंट होने की वजह से मैथ्स जो है पहले से अच्छी थी ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कुछ देते रहते थे तो मैथ्स अच्छी थी इसमें भी केवल टॉपिक वाइज हमने रिवीजन किया था जीएस में भी कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार थी हाँ लेकिन उस टाइम जब 2017 में हुआ था तो इसमें केवल आपका इन्वायमेंट आता था जीएस के पार्ट्स उसमें नहीं जुड़े थे लेकिन अब आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी सब आपको पढ़ना होता है साइंस पढ़ना होता है उस टाइम केवल केवल पर्यावरण की जो है क्वेश्चन उसमें आते थे तो पर्यावरण के लिए मैंने उस टाइम एक किताब पढ़ी थी देखिए अलग से तो किताबें पढ़ी ही थी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे लेकिन एक किताब मैंने पढ़ी थी पीसीएस के लिए घटना चक्र की आती है जो अध्यायवार हल के नाम से आती है मैंने वो पूरा सॉल्व किया था जिस दिन एग्जाम था बस में बैठे बैठे और यकीन मानिए कि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए थे उसी दिन ठीक है लेकिन अभी हो सकता है कि वो काम ना करें तो इसके लिए मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ कौन सी किताब पढ़नी चाहिए ठीक है तो जीएस भी मेरा पहले से कुछ तैयार था संस्कृत हिंदी अच्छी होने की वजह से संस्कृत में भी जो है पहले से थोड़ी तैयारी थी लेकिन संस्कृत को भी पढ़ना पड़ा था क्योंकि चीजें याद करनी पड़ती हैं यूपी टेट में है ना तो ये रहा दो महीने में तैयार करने का तरीका ये था लेकिन अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जितना समय है आप एकदम लग के तैयारी करिए तो मुझे जहां तक यकीन है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे ठीक है आगे हम बात करते हैं देखिए जब भी आप कोई तैयारी शुरू करना चाहते हैं ठीक है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और आपको कैसे शुरुआत करनी होती है देखिए तीन चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं पहली चीज तो यह है कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए तो आपके पास यूपीटी का सिलेबस होना चाहिए और एक चीज ध्यान में दीजिएगा जो आपको सिलेबस सरकारी रिजल्ट पे आपको मिल जाएगा है ना उस सिलेबस में टॉपिक बहुत मोटे मोटे दे दिए जाते हैं लेकिन आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो सिलेबस के सारे टॉपिक आपके पास होने चाहिए देखिए अगर आप लोगों ने अनुभव किया होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जब आप किसी किसी भी विषय को पढ़ने बैठते हैं तो एक टॉपिक अगर आपको पता है कि मुझे भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़नी है तो आप क्या करते हैं उसको पढ़ लिया आपने लेकिन अब अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये डिसाइड करने में आपका ज्यादा समय चला जाता है या तो एक दो दिन तो इसी में चला जाता है या सोचने में चला जाता है कि अब आगे क्या पढ़े और कैसे पढ़े इसलिए जरूरी है कि आपके पास टॉपिक वाइज सिलेबस होने चाहिए हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक आपके कॉपी पे नोट होने चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ लीजिए उसके शॉर्ट नोट भी बनाइए और उसको टिक मारिए कि एक टॉपिक मेरा क्लियर हो गया और यकीन मानिए कि तैयारी आपकी तब कंप्लीट मानी जाएगी जब आप आंख बंद करिए और वो टॉपिक आपके सामने पूरा का पूरा घूम जाए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इसमें ये ये चीजें दी गई हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं ठीक है तभी आपकी तैयारी को अच्छे तरीके से माना जाएगा कि आपने तैयार किया है दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक है तो जरूरी नहीं है कि आप यही पब्लिकेशन लीजिए या यही किताब लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं यदि आप किताब लेने में सक्षम नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है

कौन सी किताबें या नोट्स या वीडियोज आपको देखनी है उसके बारे में बात करेंगे देखिए ध्यान से समझिए यदि आप केवल यूट्यूब वीडियोज देख रहे हैं और किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जानकारी अधूरी होगी ठीक है क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा वो अपने तरीके से पढ़ाएगा लेकिन जो पेपर सेट करते हैं उनके पास किताबें होती हैं वो किसी की वीडियो देख करके सेट नहीं करते हैं ठीक है तो जरूरी है कि आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए कौन सी किताब पढ़नी है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आज की वीडियो में दूसरी चीज है नोट्स आपके पास होने चाहिए अब आप कहेंगे सर किसके नोट्स लें कौन से टीचर के नोट्स लें नहीं ज्यादा चीजें जो होती हैं वो जो सबसे बेस्ट नोट्स माने जाते हैं वो आपके बनाए हुए होते हैं ठीक है लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कुछ विषय के नोट्स मैं खुद आपको प्रिपेयर करके दूंगा लेकिन वो ऐसे होंगे जिस तरीके से आप पढ़ते हैं और मैंने तैयारी की है उस तरीके के नोट्स होंगे ऐसे नहीं होंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं और आप लोगों को ऐसी चीजें उठा के दे दूं जो किसी किताब से कॉपी कर लूं और वही उठा के पकड़ा दूं कि भैया ये लो मैंने खुद बनाया नहीं ऐसी नहीं होनी चाहिए जब भी आप किसी के भी नोट्स देखने चाहिए खरीदने जाइए तो उसको एक बार अच्छे से देखिए जरूर ठीक है तभी उसको लेना है तीसरी चीज है क्लास अब आप कहते हैं कि सर किसका बैच ले लें किसका बैच ले लें यू टेट आने वाला है भैया मैं बार बार कहता हूं कि जल्दीबाजी में पढ़ के ऐसा कुछ मत करिए कि आप फंस जाइए मेरा मानना यह है कि अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं ठीक है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब का सहारा लेंगे बहुत बेहतर तैयारी होगी जब 2018 में हम लोगों ने तैयारी करी थी इस चीज़ की तब तो यूट्यूब पे उतने ज्यादा पढ़ाने वाले भी नहीं थे जो इस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हो आज तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप अगर यूट्यूब पे जा करके केवल टॉपिक सर्च करिए ठीक है और टॉपिक सर्च कर करके पढ़िए तो आपको किसी की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो नहीं सॉरी माफ कीजिएगा आगे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है मैंने पहले कहा कि मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन यकीन मानिए पूरी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको किस तरीके से आगे पढ़ना है एक बार सिलेबस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं देखिए सिलेबस आपका हिंदी तीस नंबर का आता है सी डी पी तीस नंबर का आता है सी डी पी जो आपका यूपी टी टी होता है और जो आपका सुपर टेट होता है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है यूपी टेट में कुछ कम टॉपिक होते हैं सुपर टेट में थोड़े टॉपिक आपके बढ़ जाते हैं अगर सुपर टेट का सिलेबस नहीं बदला तो यही चीजें रहेंगी ठीक है यदि कुछ बदलता है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे ठीक गणित आपका तीस नंबर का जीएस आपका नंबर मैंने बताया कि पहले केवल पर्यावरण आता था लेकिन अब पूरा जीएस आता है और इंग्लिश या संस्कृत में से एक कोई विषय आपको लेना होता है तीस नंबर का होता है टोटल मिला के डेढ़ सौ नंबर ठीक है ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी अब हम लोग बात करते हैं किताबों के बारे में देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाल विकास के लिए सबसे बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी हो सकती है मैंने एक बार आपको बताया था कि आप जो है लूसेंट ले सकते हैं जो बाल विकास की आती है यदि आपने ले रखा है तो बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है साथ में आप ये एक किताब जरूर लीजिए देखिए मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं बस आपको किताबों को बता रहा हूं कि कौन सी किताब ठीक है तो आप अगर जो है घटना चक्र की किताब लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये एक मुझे लगता है कि इस समय बेहतर किताब है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं एक आपका यूथ पब्लिकेशन का है ठीक है यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो मैंने ये किताब पढ़ी हुई है 2018 में ही लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि आ रही है अब ये लोग ये लोग केवल बना रहे हैं क्वेश्चन के सेट बनाते हैं और उसमें उसको डिस्क्राइब करते हैं ठीक है अगर ये किताब आपको मिल जाए तो ये रिविजन के लिए जरूर ले लीजिएगा ठीक तो ये आपको जरूरी है ले लेना है अब एक मैं आपको एवरग्रीन बुक बताने वाला हूं ठीक है जो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को वो है आपकी जो एस की वेबसाइट पर अवेलेबल है किताबें वो ठीक है सेमेस्टर वाइज किताबें अवेलेबल हैं हर सेमेस्टर की जैसे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ये आपको सुपरटेक में बहुत अच्छे से काम करने वाली हैं ठीक प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध नवाचार वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है समावेशी शिक्षा है दो किताबें और है ये पांच प्लस दो सात किताबें हैं ठीक है मैंने बताया हुआ है कि इसका पी आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो टैग कर दूंगा वीडियो के लास्ट में आप उसे देख सकते हैं कहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको ये चाहिए कि थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर हो और कंटेंट भी मिल जाए तो आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है मैं आपको इनके नोट्स अवेलेबल करा दूंगा इवन मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है उन्हीं नोट्स से अगर आप चाहें तो वीडियोज को जा करके देख सकते हैं ठीक है शॉर्ट में नोट्स हैं तो सी के लिए अगर आप जरूरी किताबें देख रहे हैं तो ये ले सकते हैं ठीक है एक जो आपको थ्योरी के बेस पे होगी और इनको आप पढ़ सकते हैं दो किताबें पर्याप्त अगर आप पढ़ पाते हैं तो ठीक है नहीं पढ़ पाते हैं तो सी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम बेहतरीन नोट्स मिल जाए जो इन किताबों से भी अच्छे हों इनके निचोड़ आपको मिल जाए ठीक है दूसरी किताब अगर हम बात करें हिंदी के लिए तो एवरग्रीन आप जानते हैं सामान्य हिंदी की लूसेंट ले लीजिए और एक प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब ये दो किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी आपकी एकदम बढ़िया होगी तीस में आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो अट्ठाईस उनतीस तक बड़े आराम से चले जाएंगे ठीक है और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके आपको वही पकड़ा दिया जाता है जैसे दो वाला पेपर हुआ था ना दो जनवरी में 2017 का पेपर रिवाइज कर दिया गया था ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना हिंदी के लिए यही आपकी किताबें जरूरी हैं। बात ये आ जाती है कि कैसे पता चलता है किताबें कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए एनालाइज करिए फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक कौन सी किताब अच्छी है कि नहीं अच्छी है हालांकि मैं आपको एक बार यूपी टेट का सिलेबस भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा एक ही वीडियो में टॉपिक वाइज ठीक है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी क्या क्या टॉपिक देखिए आपका समय बचेगा अगर आप उस पर ज्यादा समय देंगे उससे अच्छा मैं एक बार समय दे दूंगा तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा आपकी गणित की अगर हम बात करें तो मैंने यही किताब पढ़ी थी देखिए ये शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है गणित की एस डी यादव सत्यम करके है इसका नाम ये किताब मुझे जहां तक लगा कि बेहतर है क्योंकि इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं आप अगर कोई दूसरी बुक भी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन अगर आपको मैथ्स के बेसिक नहीं क्लियर हैं तो आप इस किताब पे जा सकते हैं उससे भी बेहतर अगर मैं बताऊं तो आप जो है छह से आठ तक की जो किताबें हैं उसमें आपके जो अंक गणित के चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको अगर आप पढ़ें तो आपके बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाए यहां भी अगर नहीं क्लियर होता है तो मैंने अपने इसी चैनल पर बहुत ही बेसिक से गणित पढ़ाया हुआ है लगभग आठ दस चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आप उनको देखेंगे तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा वो ऐसे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं जहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं ठीक है जब मैं सिलेबस एनालाइज करूंगा तो उसमें आपको जरूर बता दूंगा कि आप जो है कहाँ से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं नेक्स्ट है, है संस्कृत के लिए अगर आप देखें तो विजयी भाव जो है ये सबसे आ, इस समय अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं ठीक है सर्वज्ञ भूषण सर की बुक है ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो संस्कृत के लिए उनकी वीडियोज भी देख सकते हैं मुझे अगर समय मिला तो मैं संस्कृत शॉर्ट में आपको बता दूंगा जिससे आपके नंबर एकदम बेहतरीन मिल जाएंगे ठीक है यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना है अभी क्योंकि उसके नंबर आपके नहीं जोड़ने अब बात करते हैं जीएस का जिसमें ज्यादा समस्याएं जीएस की ही होती है ठीक है देखिए जीएस में जब केवल पर्यावरण था तो उस टाइम आपको कोई भी एक किताब पर्यावरण की उठा लेते आपका काम चल जाता लेकिन अब आपको सारी चीजें पढ़नी है तो मुझे लगता है अगर सबसे बेस्ट चीज देखी जाए तो आपका सामान्य ज्ञान का लूसेंट है ठीक है उसके साथ अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं जो केवल यूपी टेट के लिए आती हो तो आप घटना चक्र की किताब ले सकते हैं ये भी अच्छी किताब है ठीक है बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि आप टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करिएगा वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है जैसे आपने संविधान पढ़ना है तो संविधान के आप टॉपिक निकाल लीजिए उन हर एक टॉपिक को एक सामान्य जानकारी जो उसके बारे में हो वही आपको नोट्स में नोट कर लेना है वही आपको बार बार रिवाइज करना है क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इतना पूछा जाता है कि आपको सामान्य जानकारी हो उसकी हालांकि पर्यावरण के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं जीएस वाले थोड़े उसमें कम होते हैं मैं जब एनालाइज करूंगा इसको तो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी नेक्स्ट अगर हम बात करें जो संस्कृत ना लेके इंग्लिश लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने संस्कृत लिया था लेकिन इंग्लिश के लिए अगर आप मिलान करेंगे तो हाई स्कूल की ग्रामर की बुक अगर आपको मिल जाती है वो बेस्ट होगी अगर नहीं मिलती है तो आप इंग्लिश की ल्यूसेंट ले सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल बढ़िया काम करेगी ठीक है इंग्लिश की ल्यूसेंट भी आप पढ़ सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये किताबें खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी लेकिन किताबों के साथ साथ आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा YouTube पे उनकी वीडियोस भी देखनी है कैसे आपको देखनी है आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे टॉपिक को YouTube पे सर्च कर लीजिए और पढ़ लीजिए उसके बाद किताब से आप अच्छे से उसको एक बार पढ़ के एक शॉर्ट नोट अपना बना लीजिए वही नोट्स आपको बार बार रिवाइज करने हैं यूपीटेट बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अच्छे से कर नहीं सकते मैं आपसे इसलिए यूपी टेट के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे तो आपकी सुपर टेट की भी तैयारी अच्छे से हो रही होगी ठीक है क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होते हैं कि यूपी टेट की तैयारी करें या सुपर टेट की तैयारी करें तो आप दोनों को अलग अलग मत देखिए ठीक है क्योंकि दोनों के सिलेबस लगभग बराबर हैं बराबर का मतलब ये है कि जितना आप यू टेट में पढ़ेंगे वो सब आपको सुपर टेट में मिलेगा ठीक है बल्कि सुपर टेट में जो चीज़ें थोड़ी और एक्स्ट्रा होंगी आप उनको अलग से तैयार कर सकते हैं ठीक है तो ये रही आज की पूरी वीडियो उम्मीद करते हैं कि ये किताबें भी आपको समझ में आएंगी और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं वहां पे आपका समाधान भी किया जाएगा ठीक है दूसरी चीज ये है कि मैंने नोट्स के बारे में जो बोला है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे किसी भी तरीके से मेरी थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था इसी वजह से इतना गैप हो गया आप लोगों से दूरी हो गई थी थोड़ी लेकिन उम्मीद करेंगे कि थोड़ा ठीक रहें और आप लोगों की तैयारी में मेरा भी योगदान अच्छे से रहे ठीक है तो चलिए आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि अब सम्भावनाएं पूरी बन गई हैं कि आपको मौका मिलने वाला है इसलिए आप एकदम लग करके तैयारी करिए आप यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हो अगर आपके पास यूपी टेट पहले से क्वालिफाई है अगर तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये किताबें एकदम काम करेंगी ठीक है तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो अब आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के नमस्कार धन्यवाद जय हिंद